हेलो गाइस, आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है बारबेक्यू चिकन राइस। ये बहुत ही टेस्टी, यमी और चटकारी बनी थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने 3 किस्म के बेल पेपर यूज़ किए हैं, एक कैरेट और कॉर्न, कैबेज और स्प्रिंग अनियंस। तो सबसे पहले चिकन मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, तो 1 कैप मैंने सिरका डाला था जो कि विनेगर है। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून दही ऐड करके इसको मिक्स करने के लिए 15 मिनट तक इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप तो इसका कलर देख ही सकते हैं कि कितना लाल है, और मतलब लगता है कि ये स्पाइसी और हॉट बनेगा। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर लें ताकि अपने वेजीज को ना हल्के से स्टर फ्राई कर लें। सारे वेजीज को लो फ्लेम पे रख के अच्छे से स्टर फ्राई कर लें। ध्यान में रखिए कहीं ये वेजीज बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए, वरना ये टेस्ट ख़राब कर सकती है। इसको सिर्फ हल्के से स्टर फ्राई कर लें और दूसरी प्लेट में निकाल लें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से हिला के फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जले ना। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आखिर में मैं कैबेज और कॉर्न को डाल के अच्छी तरह से फ्राई। अब चिकन को फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे सारा चिकन डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। चिकन को मैंने ढक के इसको लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। चिकन बन रहा था, मैंने दूसरी तरफ चावल पकने के लिए रख दिए थे। तो देखिए हमारा चिकन बन के रेडी है। अब एक फॉइल रैप में मैंने चारकोल को जो है गरम करके इसमें रख दिया था, और इस पे बटर डाल के, मैंने बटर, घी या फिर ऑयल भी डाल सकते हो, डाल के ना इसको अच्छे से ढक दें ताकि इसका धुआं ना बाहर आ सके। ट्रस्ट मी, ये इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा आपकी रेसिपी में। तो आइए प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने खाने का लेयर नीचे डाला था। फिर दूसरा लेयर मैं वेजीज का डाल रही हूँ। तीसरा लेयर मैं चिकन का ऐड कर रही हूँ।
चिकन का कलर देखिए कितना अच्छा है माशाल्लाह। ये डिश बहुत ही टेस्टी थी। और जो लास्ट लेयर मैं लगा रही हूँ वो है मेयोनीज का। इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो भी आपको नेक्स्ट अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।